नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, एक आज नई एक बात हम जानेंगे कि इसमें जो मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की जो भर्ती निकली है, ये करीब काफ़ी बड़ी भर्ती निकली है। 17,000 भर्तियाँ पहले से निकल चुकी हैं और करीब करीब हमने देखा है कि और ये वैकेंसीज आई हैं, 5,000 के करीब, 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज और आई हैं। तो ये मिडिल स्कूल के लिए हैं ये वाली जो वैकेंसीज हैं, और ये हायर सेकेंडरी के लिए जो परीक्षा है तो उनके टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ इन लोगों ने यहाँ रखा है, और ये पूरा इन लोगों ने कवर किया है। और ये देखते हैं कि इस वैकेंसीज के बारे में कि इसमें कितनी मेहनत करनी है, अगर आप महिला हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो यहाँ महिलाएँ हैं, अगर आप SC के हैं या ST के हैं या OBC के हैं या फिर आप अनारक्षित महिला हैं, या मतलब जैसे कि मैं हिंदी में आपको बता दूँ, अनुसूचित जाति की हैं या अनुसूचित जनजाति की हैं या पिछड़ा वर्ग की हैं या आप अन्य जाति से हैं, महिला हैं, तो आपको यहाँ कितनी मेहनत करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए जो यहाँ आरक्षण रखा गया है तो काफ़ी बड़ा है, बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये परीक्षा में जो आरक्षण रखा गया है। और आगे इसमें यहाँ पर देखिए, ये 7वें पेज पर ये MP हाई स्कूल मिडिल स्कूल वाला ये रिक्रूटमेंट है, और इसमें जो लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण यहाँ तय है, और ये महिलाएं जो रहने वाली हैं तो उनके लिए ये आरक्षण तय रहेगा, और ये जो दृष्टिहीन है, दिव्यांग है, तो उनके लिए भी 1.5% की सीमा के नियम अनुसार छूट रहेगी। मींस जो दिव्यांग है उनके लिए तो है ही है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी ये परीक्षा में काफ़ी बढ़िया इन लोगों ने एक तरीके का निकाला है लोगों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें रिक्रूट की जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पे यहाँ क्या लिखा है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है, मीन्स 10% रिजर्वेशन है ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मीन्स एक्स सर्विस मैन जो हैं उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन अलग से रखा गया है टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट में। और आगे इसके बारे में देखा है कि जो मध्य प्रदेश की जो जातियाँ हैं उनके लिए अपन ने जो रिजर्वेशन रहता है हर बार किया रहता है, पिछड़ी आदिम जातियाँ भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इनमें आते हैं तो इनमें भी आपको रिजर्वेशन, आपको विशेष अनुबंध दिया गया है। जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, और भी जो साथ में जो मंडला, डिंडोरी, जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनके हिसाब से यहाँ पर शैक्षणिक आयताएँ रखी गई हैं, और साथ ही साथ उनमें रिजर्वेशन की मांग भी इन लोगों ने रखी हुई है। काफ़ी बड़ा ये कदम है MP शिवराज सिंह सरकार के द्वारा जो निकाली गई है, दृष्टिहीन वालों के लिए भी है, जैसे कि आप सकते हैं बहरे हैं, ठीक है, तो इनमें सबको आपको पद मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और महिलाएं विशेष तौर पे मेहनत करें क्योंकि उनके लिए 50% यहाँ आरक्षण अलग से रखा गया है कि 50% महिलाएँ आरक्षित रहेंगी, और इसमें कम नंबरों पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट में पूरा सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में, तो काफ़ी बड़ा कदम है ये। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हमारे चैनल के आगे वाली अपडेट्स में आपको ज़रूर मिलेंगी, जो भी रेलवे से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश व्यापम से हैं, टीचिंग रिक्रूटमेंट से हैं, और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो आते हैं मैं उनका सबसे पहले रिक्रूटमेंट आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के नीचे जस्ट रेड कलर का बटन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आपको हमारा साथ देना होगा। इसके लिए आगे आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच, आपकी नौकरी जल्द से जल्द लगे, तो विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच।